वेलकम फ्रेंड, आज हम बात करने वाले फ्लाइट ट्रिप के बारे में, यानी कि हवाई यात्रा के बारे में। हवाई यात्रा को लेकर आम आदमी के दिमाग में काफ़ी संकोच बना हुआ है और बहुत सारे डॉट उसके दिमाग में भरे हुए हैं और काफ़ी पूछ रहे थे, बहुत सारे दोस्त से वो कमेंट कर रहे थे और ज़्यादातर जो MBBS वाले स्टूडेंट हैं उनकी तो बहुत डिमांड थी क्योंकि उनको जाना आना जाना पड़ता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो उनको बहुत सारे डाउट थे एयरप्लेन को लेकर, फ्लाइट ट्रिप को लेकर। तो ये सारे हम जान लेते हैं कि कितना किराया लगता है इसमें, टिकट कहाँ से लेना है आपको, कौन कौन जा सकता है, बोर्डिंग पास कहाँ से आपको बनाना है और फ्लाइट में यात्रा करने के दौरान आपको कैसा महसूस होता है और आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है, ये सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि हवाई यात्रा करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बट ये दरअसल गलत है। कोई भी इसकी हवाई यात्रा कर सकते हैं, बहुत ईजी है, बस जरूरत है तो थोड़ी सी ये इंट्रक्शन, ये जानकारी प्राप्त करने की, ये आपको मालूम होना चाहिए तो आप भी कर सकते हो। तो चलिए इनके बारे में हम बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किराए को लेकर, टिकट को लेकर। अक्सर मैंने सुना है बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते रहते हैं कि इसमें जो यात्रा करने के लिए आपके पास 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये चाहिए तभी पॉसिबल है इसमें यात्रा करना, इससे कम रेंट पे, इससे कम टिकट में पॉसिबल नहीं है। बट ये दरअसल गलत है दोस्तों, ये ओनली डराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको दिखाऊँगा अभी, जैसे कि आप यहाँ पर प्राइस देख रहे हो, ये तो है जो हमारे जयपुर से इंदौर के प्राइस है। अगर आप जयपुर से दिल्ली की देखोगे तो बहुत ही कम प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस, इतनी कम प्राइस है कि आप जो फॉर्म भरते हो ना वो उतनी सी प्राइस लगती है बस ओनली। अभी हम सभी की बात करने वाले, ये जो है जयपुर से इंदौर का किराया है वो डिपेंड करता है फ्लाइट के ऊपर कि कौन सी फ्लाइट में आप जा रहे हो और टाइम के ऊपर। जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है कि इंडिगो फ्लाइट है, इंडिगो फ्लाइट का टाइम है 7:55 से 15:10, टाइम भी दिया हुआ है 7 घंटे लेगी और जो हमारा पैसा लगेगा वह है 3,544 रुपये टिकट लगेगा आपका। अब आप बोलेंगे कि टिकट कहाँ से ले, अब ये सबसे बड़ी समस्या है कि टिकट कहाँ से ले, शुरुआत तो यहीं से है जबकि ये सबसे बड़ी समस्या नहीं है, ये सबसे छोटी समस्या है क्योंकि टिकट आप कहीं से भी ले सकते हो, आप चाहे तो किसी ई मित्र से ले सकते हो या फिर आप मोबाइल चलाना आपको अच्छे से आता है तो आप मोबाइल से भी ऑनलाइन बुक कर सकते हो टिकट। तो इस प्रकार से आपको टिकट ले लेना है। अब जैसे आपको टिकट की प्रिंट आउट निकाल के आपको कहाँ पर ले जानी है, एयरपोर्ट ले जानी है, ठीक है, एयरपोर्ट आ गए आपके पास। इसके अलावा टिकट के अलावा आपके पास कंपलसरी होना चाहिए आपकी आईडी, आईडी के तौर पे कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया, आपकी कोई भी आईडी आप इसमें लगा सकते हो। अगर आप अपने स्टेट में ही यात्रा कर रहे हो, अपने इंडिया कंट्री में कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप अगर इंटरनेशनल कर रहे हो तो उसके लिए आईडी के तौर पर पासपोर्ट चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार से टिकट और आईडी ले लेनी है और चले जाना है एयरपोर्ट पर। अब एयरपोर्ट पर स्वागत होगा आपका सिक्योरिटी से, वहाँ पर आपके सिक्योरिटी चेकिंग होगी कि आपके पास कोई नकली चीज़ें कोई इस प्रकार से तो नहीं है। उसके बाद आपको अंदर एंट्री दे दी जाएगी, वहाँ पर ही आपको बोर्डिंग पास बनाना है। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर आपको बोर्डिंग पास बनाना है, वो इजीली बना देंगे। जो भी फ्लाइट आपने बुक की थी, जैसे कि इंडिको, एयर एशिया, एयर इंडिया, बहुत सारी फ्लाइट होती है, वो आपके टिकट पे शो हो रही होगी कि आपने कौन सी बुक की थी, उसी काउंटर पे आपको चले जाना है बोर्डिंग पास बनवाने के लिए आपके टिकट आईडी के साथ में। अब जैसे आप वहाँ जाओगे, आपका बोर्डिंग पास वो बना देंगे, उसमें वो अपनी मोहर लगा देंगे और आपको गेट नंबर दिखा देंगे, उसमें शो कर देंगे, उसी गेट नंबर पे आपको चले जाना है। अब दोस्तों, आपको गेट नंबर पे सीधे नहीं जाना है, कुछ आपकी चेकिंग होगी उसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं किराए की। ये तो था जयपुर से इंदौर का, अब बात कर लेते हैं जयपुर से दिल्ली वाले किराए की। सो फ्रेंड्स, हमारा जो एयर टिकट लगेगा जयपुर से दिल्ली का, जयपुर से दिल्ली का किराया वो है 1650 रुपये एयर एशिया फ्लाइट में। अगर आप इंडिगो से भी करोगे ना तो भी आपको 1651 रुपये देने, ऑलमोस्ट उतने ही देने आपको। अब बताइए कहाँ ज़्यादा प्राइस है, 1650, 1650, इतने से तो लगता ही, इतने से तो फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर देते हो कोई भी। अब आम आदमी क्यों नहीं कर सकता इसमें यात्रा, आसानी से कर सकता है। इंडिगो को देखिए, इसमें भी 1650 के लगभग ऑलमोस्ट दिए हुए हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके टाइम के ऊपर भी, आपकी इमरजेंसी में जा रहे हो तो आपका थोड़ा सा टिकट ज़्यादा लग सकता है, अगर आप लेट जैसे कि 5-7 दिन पहले बुक करे हो तो आपका थोड़ा कम लगेगा। और डिपेंड करता है टाइम के ऊपर भी कि आप किस टाइम पे जा रहे हो, और डिपेंड करता है आपकी फ्लाइट पे कि फ्लाइट कौन से आपने चूज़ किए।
इसके अलावा आप जानते हो दूरी तो कॉमन ही है कि जितनी दूरी आप जाओगे उतना टिकट ज़्यादा लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी आपकी सावधानियां बरतनी है। इससे पहले एक और दिखा देता हूँ मैं टिकट की जो रेट है आपको। सो फ्रेंड्स, ये है जयपुर से मुंबई की टिकट रेट। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि गो एयर से अगर आप जाओगे तो 3,236 रुपये आपका टिकट लगेगा, और स्पेस जेट से आप जाओगे तो 3,341 रुपये, और गो एयर से आप अगर यात्रा करते हो तो 3,470 रुपये, और इंडिगो से आप जाओगे तो यहाँ पर आपको 3,473 रुपये पे करने पड़ेंगे। इंडिगो फ्लाइट नॉन स्टॉप रहेगी और आपको 1 आवर 55 मिनट का टाइम लगेगा। सो फ्रेंड्स, इतने कम टाइम में आप जयपुर से मुंबई पहुंच रहे हो 1 आवर 55 मिनट यानी कि 1 घंटा और 55 मिनट में, तो इससे बेस्ट साधन और क्या हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ जानकारियों की जो हमारी छूट गई थी इस हमारे किराए के चक्कर में, तो हम देख लेते हैं उन सभी सावधानियों को और इंस्ट्रक्शन को। सो फ्रेंड्स, हमारी किराया कितना लगता है ये बातें हो गई थी, टिकट कहाँ से लिया हमारा हो गया था, कौन कौन जा सकता है, आप जो चाहे आप जा सकते हो, ऐसा कोई भी एलिजिबिलिटी तय नहीं है कि वही जाए, कोई भी जा सकता है। बोर्डिंग पास कैसे बनवाना है, एयरपोर्ट के अंदर ही बनेगा है, जैसे कि मैंने बताया था आपकी जैसे इंट्री होगी तो आपको अपने काउंटर पर चले जाना है अपनी फ्लाइट के अनुसार। दोस्तों, बोर्डिंग पास बनने के बाद आपको एक स्टेज से और गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो बैग है, हैंड बैग हो या फिर आपका भारी बैग हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पास आपके पास हैंड बैग है तो वो 7 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसका फिर अलग से प्राइस लिया जाता है वहाँ पर, और वो उस पर चेकिंग होगी, आपका प्राइस आपको सारा उसमें रखना पड़ेगा, आपको जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट यहाँ से चार्ज वगैरह जो भी लेके जा रहे हो सब कुछ बैग में रखना है, क्योंकि वो मशीन के अंदर जाता है और उसका चेकिंग होती है और आपकी भी होती है, ठीक है। उसके बाद ही आपको गेट पे जाना है, जैसे कि मैंने बताया था बोर्डिंग पास के बाद चेकिंग से गुजरना पड़ेगा, उसी के बाद आपको गेट नंबर पे चले जाना है जो कि आपके बोर्डिंग पास में लिखा हुआ है। वहाँ पर आपकी फ़्लाइट आएगी, अच्छे से फ्लाइट को देख लेना है, किसी गलत फ्लाइट में नहीं बैठ जाना, नहीं तो जाने किधर निकल जाओगे, बट इम्पॉसिबल है क्योंकि बाहर वही जा सकता है जिसके पास पासपोर्ट है, तो ये टेंशन बिल्कुल ना रहे अगर आप अकेले जा रहे हो तो। नेक्स्ट जो थॉट आते हैं अक्सर लोगों के मन में, वो आता है कि कैसा महसूस होता है। अगर आप पहली बार जा रहे हो तो ज़रूर आपके मन में ये ख्याल रहेगा कि कैसा फीलिंग होता है, कैसा महसूस होता है। सो, ये टेक ऑफ होता है और लैंडिंग होता है, उसी टाइम पर आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन रखना है, सीट बेल्ट को लगा के रखना है, और अगरबाज ये जब तक अपनी उच्चतम सीमा पर पहुँच जाता है ये उसी ऊँचाई पर उठ जाता है जहाँ पर थोड़ा सा खपत हो सके ईंधन की, ठीक है साहब, ये उच्चतम सीमा पर पहुंच गया, उसके बाद तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। बट उसके दौरान आपको खाने में क्या कुछ दिया जाएगा, जी बिल्कुल, आपको चाय कॉफ़ी खाने में बहुत सारी कुछ चीज़ें दी जाएगी। अब आप बोलेंगे कि यार फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जी ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है वहाँ के लिए तो, बट इसका पैसा टिकट में इंक्लूड कर लिया जाता है, अगर आप खाओ या ना खाओ। आपको इंस्ट्रक्शन एयर होस्टेस देते रहेंगे, कोई टेंशन ना ले, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है इमरजेंसी तो आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। अब आप बोलेंगे कि महसूस कैसा होता है, मैंने बोला कि ये टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे आप थोड़ा नीचे देख के पाओगे, और जो नीचे के जो हाउस है, पेड़ है, जो हमारे जो धरती का एनवायरनमेंट है वो बस आप उसी टाइम पे देख पाओगे जब ये उच्चतम सीमा पर उड़ने लग जाएगा, उसके बाद आप ओनली क्लाउड देखोगे और कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, तो इस प्रकार आप अनुभव कर सकते हैं। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स हम कुछ सावधानियां और जानकारियां जो कि आपको बरतनी है। पहली बात तो है कि आपको समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचना है, ये सावधानी आपको रखनी है। अगर आपका फ्लाइट छूट गया तो गए काम से, तो सबसे पहले तो आपके घर से 2-3 घंटे पहले आपको पहुंचना है, कि आपकी फ़्लाइट है 10 बजे तो आपको 8 बजे एयरपोर्ट पर पहुँच जाना है। अक्सर बहुत सारे क्या होते हैं कि 10 बजे की है तो घर से निकलते हैं 9 बजे तो वहाँ आते आते 10 बज जाता है, तो उनकी बहुत सारा काम होता है वहाँ पर, बोर्डिंग पास के अलावा चेकिंग भी होती है, तो बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसे गुजरना होता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि बस तथा ट्रेन की तरह एयरपोर्ट के 10-20-25 मिनट के लिए नहीं, बल्कि आपको निकलना होगा 1-1.5 घंटे पहले। मैं तो कहता हूँ 2 घंटे पहले निकलो अगर फर्स्ट पावर में आप ट्रैवल कर रहे हो तो, और इंटरनेशनल के लिए 3 घंटे पहले निकलो, ये तो आपको सावधानियाँ रखनी है। फ्रेंड्स, मैं खुद 2 घंटे पहले निकला था, फिर भी बहुत ऐसा अजीब सा लग रहा था, अकेला था इसलिए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किसी से पूछ पूछ के काम चलाना पड़ रहा था, बहुत सारे इंटरेस्ट लिखे हुए थे बट वो समझ में नहीं आ रहे थे। तो आप अगर ऐसा हो आपके साथ तो आप किसी से पूछ सकते हो, वहाँ से भी बहुत अच्छे होते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे अगर आपको कुछ भी डाउट हो वहाँ जाने के बाद भी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो सावधानी आपको बरतनी है वो है कि किस एयरपोर्ट से फ़्लाइट उड़ेगी, इसकी जांच अवश्य कर ले। इसके साथ में ये भी देख ले कि आप जो फ़्लाइट में जा रहे हो किस गेट नंबर से उड़ेगी,
ये कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार वहाँ जो गेट नंबर है वो एक्सचेंज कर दिए जाते हैं। इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी है उनसे पूछ ले कि कंफर्म कर ले कि यही जाएगी ना आपका जो मकसद है जाने का। देख लेते हैं कि आमतौर पर फ्लाइट किस एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी, इसकी जानकारी टिकट पर लिखी हुई थी। अगर आपकी टिकट पर यह जानकारी नहीं है तो तुरंत एयरलाइन कंपनी को फ़ोन करके इसकी जानकारी ले। छोटे शहर में केवल एक ही एयरपोर्ट होता है, लेकिन बड़े शहरों में एक से ज़्यादा एयरपोर्ट होते हैं, जैसे दिल्ली और मुंबई। सो फ्रेंड्स, अभी आपकी यात्रा ख़त्म नहीं हुई है। आपको जैसे ही लैंडिंग होगी, जिस जहाँ पर आप जाना चाहते हो वहाँ पर आपको क्या दिखाना है, अपना बोर्डिंग पास फिर दिखाना है जो आपने उस एयरपोर्ट पर बनाया था। आपको उसको गुमाना नहीं है। उसी के थ्रू आपकी चेकिंग होगी, वापस वही प्रोसेस, सिक्योरिटी चेकिंग होगी, आपकी बैग की चेकिंग होगी, उसके बाद आपको बाहर निकलने दिया जाएगा। कोई भी डाउट हो तो फिर भी पूछ सकते हो।